आगे बढ़ेंगे। इस बार गर्मी भी बहुत पड़ने वाली है। आपने भी अनुभव किया होगा कि पिछले दिनों से अचानक से गर्मी बढ़ती जा रही है। सोचिए फरवरी का महीना है लेकिन मौसम ऐसा है जैसे मार्च या अप्रैल का पहला हफ्ता हो। फरवरी में सबसे ज्यादा गर्मी का रिकॉर्ड टूट रहा है। कल का दिन सबसे ज्यादा गर्म रहा। कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस रहा। 15 साल पहले वर्ष 2006 में फरवरी महीने में अधिकतम 34.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। वहीं वर्ष 2004 में फरवरी महीने के दौरान 32.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था और वर्ष 1993 में दिल्ली में फरवरी महीने का अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस तक था। और कल भी दिल्ली का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। फरवरी की शुरुआत से ही अब जब महीना खत्म होने वाला है मौसम डबल रोल में है। डबल रोल यानी रात और सुबह में हल्की सी ठंड और दिन में पसीने निकालने वाली गर्मी। सोचिए जब फरवरी में ये हाल है तो मई जून में क्या होगा। गर्मी फील हो रही है? हाँ, मैंने तो अपनी जैकेट भी उतार दी। जैकेट उतार दी आपने? सुबह पहन के आए थे तो सर्दी थी? हाँ, थोड़ी सी थी। अच्छा, अभी गर्मी? हाँ, अभी हमने गर्मी की वजह से आइसक्रीम भी खाई थी। लक्ष्य और लावण्या की तरह क्या आपके बच्चे भी दिन में अब जैकेट या स्वेटर पहनना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी ऐसा हो रहा है कि मॉर्निंग और इवनिंग में थोड़ा लगता है, अदरवाइज दिन में ऐसा लगता है कि हम स्वेटर्स को निकाल दें। अर्चना की तरह क्या आपको भी सुबह में थोड़ी ठंड और दिन में गर्मी लग रही है? फरवरी में तारीख जैसे जैसे आगे बढ़ी मौसम का मिजाज भी बदलता गया। रात में थोड़ी ठंड और दिन में जलाने वाली गर्मी, ये दिल्ली में फरवरी का मौसम है। अब तक लगातार यहाँ पर सर्दी के रिकॉर्ड टूट रहे थे, हद से ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी और दिल्ली वालों को शीतलहर सता रही थी। मगर अगर फरवरी की मैं बात करूँ तो फरवरी में इस बार पिछले 10 साल से जो गर्मी पड़ती है उसका रिकॉर्ड टूटा है। ऐसा भी नहीं है कि गर्मी फरवरी के आखिरी सप्ताह में अचानक बढ़ी हो। फरवरी की शुरुआत में ही गर्मी ने अपनी हाजिरी लगा दी। आमतौर पर फरवरी के पहले सप्ताह में दिल्ली का औसत तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि 11 फरवरी को ही दिल्ली में अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, यानी सामान्य से 60 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान। वहीं 23 फरवरी को अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस रहा और 25 फरवरी को अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रात को आप देखेंगे तो सर्दियां हैं, ठंड लगती है, पर सुबह होके दिन होते होते गर्म होने लगता है। अभी देख लीजिए, मैं टी शर्ट में घूम रहा हूँ, अदरवाइज जनरली अब इस वक्त दिल्ली में तो स्वेटर पहन के घूमते थे। मॉर्निंग में तो निकले थे ऐसा सोच के कि हाँ भाई गर्मी सर्दी होगी, मौसम तो थोड़ा सा ठंडा था, पर जैसे जैसे दिन बढ़ा बट ऐसा लगा कि अब जरूरत नहीं है जैकेट की। काफ़ी सडनली एकदम चेंज हुआ है मौसम। सवाल ये है कि फरवरी में गर्मी इतनी ज़्यादा क्यों है और अगर फरवरी में गर्मी ऐसी है तो मई जून में हालात क्या होंगे? बिल्कुल सही है, दिन के तापमान ज़्यादा है और ये जो आपका विंटर सीजन रहता है वो फरवरी तक रहता है। अब चूंकि अब फरवरी तो एंडिंग पे है तो अब जो नेक्स्ट सीजन मार्च अप्रैल में है वो गर्मी का सीजन कहलाता है, हॉट वेदर सीजन या प्री मानसून सीजन। तो यानी कि जब जैसे जैसे मार्च की ओर बढ़ते हैं तो तापमान बढ़ने शुरू हो जाते हैं, मगर सिर्फ एक कारण ही नहीं है, उसके दूसरा कारण मैंने बताया पश्चिम विक्षोभ पे। हो सकता है कि फर्स्ट वीक में भी कोई पश्चिम विक्षोभ आ जाए, हालांकि अभी इतनी जल्दी पूर्वानुमान नहीं दे रहे, तो यदि वो कितना इंटेंस होता है और किस तरह वर्षा बर्फबारी देता है, यदि दे देता है तो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी बढ़ने के साथ शहर में प्रदूषण कम हुआ है। प्रदूषण का कम होना अच्छी बात है, लेकिन फरवरी महीने के संकेतों को देखकर आप भी समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में गर्मी कैसा रूप लेगी। दिल्ली से पृथु कीर्ति सिंह, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।